हेलो देयर, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अरशद इनाम वेलकम्स यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट। और थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रूल हम डिस्कस करेंगे आज, मार्कोनिकॉफ रूल इसको कहते हैं। बेटा क्लास 10th, 11th और 12th तीनों क्लासेस के लिए रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, साथ ही साथ इसका एक अपोजिट रूल होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या खैरास इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली तीनों इफेक्ट सेम ही होते हैं, बट नेम अलग अलग दिए हुए हैं। तो दोनों नियमों को विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। सो मार्कोनिकॉफ रूल एक रशियन केमिस्ट मार्कोनिकॉफ ने 1869 के अंदर प्रतिपादित किया था। ये नियम उन्होंने दिया था। बेसिकली ये रूल अप्लाइड होता है एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्किन। जब भी कोई पोलर कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन हैलाइड है, H2O है, या कोई भी ऐसा पोलर एडेंडम है या रिजेंट है, जब वो एल्किन से जुड़ता है तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्किन का मान लीजिए सिमेट्रिकल एल्किन मैंने यहाँ पढ़ ली है, CH2CH2, इसको कहते हैं बच्चों एथीन कहते हैं। तो जब ये किसी हाइड्रोजन हैलाइड या किसी भी पोलर कंपाउंड के साथ रिएक्शन करती है तो वहाँ पर एडिशन हो जाएगा, सिंपली हैलोजन कहीं भी जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन कहीं भी जुड़ जाएगा, यानी कि नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और आपका कंपाउंड बन जाएगा वहाँ पर। ये बन जाएगा भाई क्लोरोएथेन वहाँ पर बन जाएगा। तो कोई भी सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप किसी को कहीं पर भी जोड़ दीजिए, लेकिन क्या हो अगर मैं वहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। अब अगर प्रोपीन के साथ कोई ऐड होगा, फॉर एग्जांपल HBr का मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें ब्रोमाइड आयन है और हाइड्रोजन आयन है, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी कि नेगेटिवली चार्ज्ड जो आयन है वो यहाँ पर जुड़ेगा या यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। सो द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजन सच एज HX, H2O, HOX एट्सेट्रा टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऑकर्स इन सच ए वे दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम यानी कि एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड विच कैरीज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है वो बीच वाले कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन में इसी वाले कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है और ये यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट मैं आपको बना देता हूँ CH3CHBr और CH3 है, यहाँ पर हो जाएगा ये 2-bromo-propane। तो इस तरीके से ये रूल काम करता है। टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट CH3 डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए यहाँ पर H2O ले लेता हूँ जिसमें H प्लस और OH नेगेटिव होते हैं। तो जब ये रिएक्शन होती है तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ ये हाइड्रोक्सिड आयन अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन के में इसी कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है या लेसर हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ जाएगा, जिससे प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों CH3 ऐसे जुड़ा हुआ है यहाँ पर और OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है और ये CH3 हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा भाई 2-hydroxyl-2-methyl-propane। तो इस तरीके से मार्कोनिकॉफ रूल काम करता है। तो अगर मैं इसका आपके सामने मैकेनिज्म लिखूं तो आपको बिल्कुल वजह बिल्कुल साफ पता चल जाती है कि क्यों मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होती है। दरअसल ये जो एडिशन होता है एल्कीन का वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप के अंदर वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहले स्टेप के अंदर यहाँ प्रोटोन है वो ऐड हो जाएगा और वो कहाँ पर ऐड होगा, मान लीजिए वो आपका ऐड हो जाता है इस वाले कार्बन पर, जिससे वहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा CH3CH2CH2 पॉजिटिव। तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और अगर इस कार्बोकेटाइन की बात करूँ तो बेटा ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है। वहीं अगर मैं दूसरे तरीके से इस रिएक्शन को प्रोसीड कराऊँ, मान लीजिए अब की बार यहाँ जुड़ा था, अब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वहाँ पर आपको कार्बोकेटाइन बनेगा CH3CH पॉजिटिव CH3। तो ये भी कार्बोकेटाइन है और ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी होता है। तो यहीं पर ये नियम समझ में आ जाएगा आप लोगों को।
अब अगर इस तरीके से एडिशन कराए तो यहाँ पर कार्बोकेटायन प्राइमरी बनता है, इस तरह से कराए तो कार्बोकेटायन सेकेंडरी बनता है। तो अगर इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये लेस स्टेबल होता है, याद रखिएगा। मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, कार्बोकेटायन भी वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, और सेकेंडरी ये मोर स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वहाँ पर बनता है। वहीं पर सेकेंड स्टेप हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन जुड़ जाएगा बीच वाले से, CH3CHBr2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा इस कंडीशन में। और अगर इसको मैं आगे प्रोसीड कराऊं तो ब्रोमाइड आयन जुड़ जाएगा टर्मिनल, तो CH3CH2CH2Br, तो ये यहाँ पर 1-bromo-propane बन जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल इस रूल को फॉलो करता है, इस वे को फॉलो करता है। मार्कोनिकॉफ रूल इज बेस्ड अपॉन द मोर स्टेबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी कार्बोकेटायंस। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड H2O टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन अगर मैं वहाँ पर रिएक्शन को किसी भी प्रोक्साइड के प्रजेंस में प्रोसीड कराऊं तो बेटा सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, जैसा अब मार्कोनिकॉफ रूल में होता था इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो यहीं पर ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है, इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सारा खेल है वो प्रजेंस ऑफ पेरोक्साइड की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। और इसको जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उन्होंने अपने नाम पर ही इसको खैराज इफेक्ट नाम भी दिया। फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन, ये देखिए CH3CH double bond CH2, ये प्रोपीन है, और जब ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड एटसेट्रा से रिएक्शन करेगा किसी भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, याद रखिएगा अगर पेरोक्साइड वहाँ पर नहीं है तो रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगी, लेकिन अगर उसने पेरोक्साइड दे दिया है और वहाँ पर उसको थोड़ा गर्म भी किया है तो ये जो रिएक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। अब जो नेगेटिव एडेंडम है वो डबल बोन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पर जाकर ऐड हो जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे, तो उस केस में प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3CH2CH2Br। तो हमेशा यहां पर वन वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1-bromo-propane यहां पर हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। दैट्स व्हाई इस रूल को हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं यहां, CH3C double bond CH2CH3, तो यहां पर भी देखिए क्या होगा, HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अगर होती है तो ये हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द खैराज इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो नेगेटिव एडेंडम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, दैट्स व्हाई ब्रोमीन यहां ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां ऐड होगा, जिससे प्रोडक्ट बनेगा CH3CCH3CH CH2Br। तो 1-bromo-2-methyl-propane बन जाएगा यहां पर फाइनल प्रोडक्ट, 1-bromo-2-methyl। अब ये क्यों हुआ, मैंने आपसे कहा भाई दोनों रूल एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल, अगर पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खैराज इफेक्ट। ये क्यों हुआ, क्यों ये चेंज आया दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ पर पेरोक्साइड लिया है, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो ये इस रिएक्शन के सारे मैकेनिज्म को बदल देता है, उसको चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर मैकेनिज्म हमने देखा तो वहाँ कार्बोकेटायन बेस्ड मैकेनिज्म था, कार्बोकेटायंस रिस्पॉन्सिबल थे, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी मैटर कर रही थी, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल चेंज हो जाता है और ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बन जाता है, जिसमें भी कार्बोकेटायन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी मैटर करती है। तो याद रखिएगा अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये एडिशन होगा, और अगर पेरोक्साइड है तो दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन गोज अकॉर्डिंग टू दी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अगर वहां पर पेरोक्साइड प्रेजेंस है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, पूरे तरीके से अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इफ यू फाउंड ए वैल्यू इन दिस वीडियो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर औषधि नाम साइनिंग ऑफ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय।